गुरु और शिष्य का बहुत ही गहरा रिश्ता होता है और गुरु और शिष्य हमेशा एक दूसरे के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। जी हाँ, गुरु की शिक्षा को लेने के लिए ही बच्चे जो हैं स्कूलों में पहुंचते हैं और स्कूल में ही उनको जो सबक शुरू में सिखाया जाता है वो उनकी ज़िंदगी में हमेशा काम आता है। लेकिन आज हम ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चे को ऐसा सबक टीचर के द्वारा दिया गया कि वो बच्चा अब कोमा में पहुँच चुका है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बंगराऊ मऊ थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले माया इंटरनेशनल स्कूल के एक शिक्षिका ने एक 8 साल के बच्चे को इसलिए पीटा कि उसने स्कूल का काम नहीं किया था और हालत तब ये हो गई है कि उस बच्चे को लखनऊ के PGI के ICU वार्ड में भर्ती कराना पड़ा जहां पर वो कोमे में चला गया है। और अभी तक माया इंटरनेशनल स्कूल के संचालक और इस शिक्षिका के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि अभी भी इस पूरे मामले को लेकर लिपापोती करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित बच्चे की मां ने हमारे संवाददाता से बात करी तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी भी वो इंसाफ के लिए भटक रही हैं। जी हाँ, हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात करी तो पता चला कि अभी इस पूरे मामले में स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, साथ ही साथ ना उस शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई हुई है जिसने इस बच्चे के साथ मारपीट करी थी। बच्चे की उम्र 8 साल है और बच्चे का नाम आपको बता दें कि जिस तरीके से, क्योंकि गणेश नगर का रहने वाला ये बच्चा है, श्याम जाजू है, उनके बच्चे का नाम जो है अखिल है और अखिल की हालत आप देखिए कि किस तरीके की हो चुकी है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रिंकी सर। रिंकी जी, क्या मामला है, क्या दिक्कत हो गई है? हमारी कोई दिक्कत नहीं, हमारा बच्चा स्कूल गया था, स्कूल जाने से वहीं से बीमार, वहीं इतनी मतलब इन लोगों ने मारा मोनिका शर्मा ने, और मारने के बाद वो जब स्कूल से आया तो उसके इतनी सर में दर्द थी और दर्द होने के बाद में उसको बुखार ऐसा आया कि उस दिन से बुखार उतरने का नाम ही नहीं लिया और इतनी हालत सुबह 17 तारीख को गंभीर हो गई कि हम कानपुर उसको ले गए, वहाँ बेहोशी की हालत में ही हम ले गए यहाँ से। तब से मतलब ना बोलता है ना बताता, फिर हम वहाँ से रेफर करके PGI ले गए। PGI में 3-4 दिन बाद होश आया, तब से उसकी ऐसी हालत है कि घर में नली द्वारा खाता पीता है, बोलता नहीं, ना लैट्रिन पेशाब कुछ भी नहीं बता पाता है। तो हम बताओ ऐसी हालत में कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चे को, हमारी आज भी कोई सुनवाई नहीं है। कौन सा स्कूल है? माया इंटरनेशनल स्कूल। क्या नाम है प्रबंधक का? प्रबंधक का सचिन गुप्ता। तो फिर आपने यहाँ पुलिस में शिकायत करी इधर कहीं? जी, पुलिस में हमने शिकायत की थी, एक दो बार फोन भी आया, तब से आना बंद हो गया फोन। वो लोग कोई कार्रवाई आगे नहीं करे, हम जहाँ जाते हैं यही बता दिया जाता कि कल आपको हम बताएंगे, कल के इतने दिन हो गए आज कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, कुछ भी हमारी कार्रवाई नहीं है। अब बेटे की हालत कैसी है आपकी? बेटे की हालत क्या है, आप तो मतलब देख लीजिएगा, हम नली द्वारा हम खिलाते पिलाते हैं, कुछ भी ना बोलता है ना कुछ, लैटरिन पेशाब हम जैसे कराते हैं हम जानते हैं, हमारे बच्चे की तो जिंदगी उन लोगों ने बर्बाद कर दी, हम कहाँ उसको ले जाएंगे, अभी तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी। क्या हम लोगों को मतलब कोई न्याय नहीं मिलेगा? हम जहाँ जाते हैं तो यही होता है कि कल बताएंगे कल बताएंगे, आज 2-3 महीने कल बताते बताते हो रहे, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। अब बच्चे को कहाँ किस किस अस्पताल में ले गए आप लोग? मतलब यहाँ दिखाया बांगर में दिखाने के बाद जब बुखार नहीं उतरा था, हम मैं संजीवनी ले गए, संजीवनी से मतलब बेहोशी की हालत में ही रिफर करवा के तो हम PGI ले गए, वहाँ PGI में 3-4 दिन बाद होश आया उसको। तब उसकी हालत ऐसी है कि मतलब समझता है लेकिन ना कुछ बोलता है ना मतलब खाता पीता है कुछ भी नहीं, ये कोई वो है। स्कूल में बच्चे को बुरी तरीके से मारा पीटा था? जी, जब यहाँ आया था हमने पूछा था कि कहाँ कहाँ दर्द हो रहे, तो वो बता रहा था हाथ में दर्द हो रही है और सर में दर्द है, सर में तो इसके मतलब उन लोगों ने सर में मारा। तो हमसे कई मतलब एक बार हमसे सवाल भी किया कि मारा तो चोट के निशान दिखाओ, तो क्या मतलब उसको हम काट पीट डालते तो आपको हम चोट के निशान दिखाते, पुलिस वाले मारते हैं तो क्या ऐसा मारते हैं कि मतलब तुम दिखा दे कि हाँ चोट के निशान, हम कहाँ से अपने बच्चे को, जो हमको बता रहा कि मतलब अंदरूनी तुम लोगों ने उसको मारा।